गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं नमते नमः ओं रं रामाय नमः ओं मातेश्वर्य नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। सबसे पहले राशिफल, संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418, मेल आईडी sanjyzd75@gmail.com। प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, कुंडली वगैरह विश्लेषण या जो भी बातचीत है और व्हाट्सएप से ही आपको लाइन मिल जाएगा, आपको मार्ग मिल जाएंगे, मेरे स्टाफ आपको डील कर लेंगे। फोन का ओवर प्रेशर है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज का राशिफल, सबसे पहले 7 सितंबर 2023 अष्टमी तिथि और गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण, और आज का जो चंद्र राशि रहेगा रोहिणी, 10:25 AM सुबह तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में, और चंद्र राशि वृषभ में ही चंद्रमा रहेंगे, उच्च का चंद्रमा रहे। सूर्योदय 6:01 AM और सूर्यास्त 6:36 PM। ऋतु शरद ऋतु, और अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से लेके 12:44 PM तक, राहु काल 1:53 PM से लेके 3:27 PM तक, दिशाशूल दक्षिण दिशा में सावधान, राशि बल वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इनमें बल रहेगा। नक्षत्र में अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्या, मघा, उत्तराफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में बल रहेगा। अब बात करते हैं राशिफल। वृष राशि का राशि रहेगा मेष राशि का द्वितीय स्थान, यहां उच्च का चंद्रमा, और अगर द्वितीय स्थान का धन वाणी परिवार के क्षेत्र में चंद्रमा, आपके ऊपर थोड़ा सा ऊर्जाओं में कमी रहेगी, लेकिन गुरु वक्री होने के कारण ऊर्जाओं में वृद्धि भी रहेगा, लेकिन यहां कार्मिक रिजल्ट थोड़ा सा घटेगा, 38 तक जा सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक दिख रहा है, पराक्रम वृद्धि रहेगा, यानी मेष के लिए औसतन रहने वाला है, वृष के लिए 70-80% गुड रिजल्ट रहेगा, 20-30% नॉट गुड रहेगा। आर्थिक स्थिति ये भी कहीं ना कहीं सामान्य दिख रहा है, और पराक्रम का बात अगर करते हैं वृद्धि रहेगा। मिथुन का बात करें, द्वादश का चंद्रमा रहेगा, उतना ज्यादा बढ़िया एनर्जी नहीं दे रहा है, खर्चा यात्रा में परेशानी, ऊर्जाओं में कमी, टेंशन तनाव दे सकता है, सावधान रहना चाहिए। मिथुन के बाद कर्क का चंद्रमा लाभ चंद्रमा है, स्ट्रांग गुड बेनिफिट, बहुत अच्छा है, लाभपूर्ण रहेगा, ढैया कंट्रोल करते कर चुके हो तो ये ठीक ठाक। सिंह का बात करते हैं, दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग, सफलता, गुड एनर्जी, टॉप, अति उग्र ऊर्जा भी हो सकता है, राहु और शनि का भी दृष्टि, इस कंडीशन में अति उग्र ऊर्जा बनना स्वाभाविक है। आर्थिक स्थिति नॉट गुड, पराक्रम ऊर्जा, सडन एनर्जी बढ़ेगा, सडन डाउन में जाएगा, कंट्रोल कर लो। कन्या का बात करते हैं, खुद पाप कर्तरी में, और यहां नवम का चंद्रमा रोगग्रस्त और घात चंद्र सावधान, पराक्रम में कमी, आर्थिक स्थिति सडन लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, खुद पाप कर्तरी में फंसे हो। तुला का बात करते हैं, अष्टम चंद्रमा नॉट गुड, बाधा विघ्न, कम में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, कार्मिक तनाव, परेशानी दे सकता है, कार्य असफलता हो सकता है, यहां 22% का कार्मिक एनर्जी मिलने वाला है। जब खुद का एनर्जी डाउन होता है तो अर्थ और पराक्रम का कोई खास मूल्य यहां नहीं रहता, और कोई है भी नहीं ऐसा प्लैनेट, पराक्रमेश खुद द्वादश में बैठा हुआ है, धनेश खुद जाके लॉस हाउस में बैठा हुआ है कन्या में, तो मैं यहां आशा नहीं करता। यहां बात करते हैं बिच्छू लोगों के लिए, लॉर्ड लाभ में और चंद्रमा सप्तम में, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, मस्त गो, लेकिन खुद का एनर्जी संभाले हो तो, ढैया को कंट्रोल कर लिए हो तो, अदरवाइज लेने पे देने पड़ सकते हैं। धन का स्थिति सामान्य, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक, पराक्रम एनर्जी भी आपके लिए यहां ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे। अच्छा, धनु का बात करते हैं, ये छठा चंद्रमा आरोग्य,
सफलता 70-80% का रिजल्ट बेस्ट हो रहा है, वो है यहां पर। धन स्थिति ठीक, पराक्रम भी टॉप गुड। मकरू का बात करते हैं, पंचम और षष्ठ की ओर जाने वाला चंद्रमा रहेगा, घात चंद्र योग, बेवकूफी और बुड़बकी होने का बड़ा संभावना है। दिन में कई सारे समय में बहुत अच्छा ऊर्जा मिलेगा, कई सारे समय में बैड एनर्जी डाउन हो जाएंगे। कभी कभार मन का ऐसा स्थिति बनेगा जहां आप ब्रेन शॉट डाउन जैसा अनुभव हो सकता है, उसके बाद फिर उच्चाट होके फिर आगे चलेंगे, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, दूसरे के प्रेशर में आ सकते हैं, दूसरा कोई आपको समझा बुझा के फुसला के ठगने का भी संभावना है। कार्मिक एनर्जी टॉप, पराक्रम उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ये बात करते हैं मटका कुंभ राशि वालों के लिए, चतुर्थ चंद्रमा बुड़बक, सावधान रहें। आर्थिक स्थिति लॉक पड़ा हुआ है, पराक्रम गुरु बृहस्पति बकरी इसलिए बहुत ज्यादा होगा, संभाल लोगे, कंजूसी नहीं करना। मछली वालों के लिए बात करते हैं तीसरा चंद्रमा बहुत अच्छा, लेकिन खुद फंसे हो, लॉक हाउस में पड़े हुए हो, तो उतना ज्यादा ऊर्जा यहां मैं नहीं कहूंगा, होना नहीं होना बराबर रहेगा, नेगेटिव नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे चल रहे हो तो ठीक है, यहां कलर रंग वो सब बताने का जरूरत नहीं, मैं ऊर्जा का ही बात करता हूं कि ये ऊर्जा का स्थिति रहेगा। सुबह सुबह अगर पूजा पाठ कंट्रोल करते हो तो रहेगा एकदम बिंदास चलो, नहीं करते हो तो फिर आपको आप ही का ऊर्जा ब्लॉक करके शट डाउन कर देगा, होते होते नहीं हो पाएगा। चलिए नक्षत्रफल, तो आज का जो नक्षत्र है स्वाभाविक बात है कृष्ण जन्म तो रोहिणी में ही, तो और शनि बाबा रोहिणी तु विदेयत्वातु, तो शनि जयंती, और दोनों का अगर परिस्थितियात्मक बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रोहिणी ही सुबह का नक्षत्र रहेगा, और ये रोहिणी नक्षत्र आप अगर देखते हो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो सबसे पहले केतु का तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में है, ठीक ठाक रहेगा। 10 बजे के बाद एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्षमा और प्रत्यारी में चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके शुक्र के तीन नक्षत्र, तो वो है भरणी मेष पूर्वा फाल्गुनी सिंह पूर्वा साढ़ा धनु, तो आपके लिए जन्म संपद विपद तारा में है, विपद और विपद और जन्म संपद विपद, तो ये विपद तारा फर्स्ट 10 बजे तक रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। सूर्य का तीन नक्षत्र कृतिका, कृतिका नक्षत्र मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन्म संपद तारा पे आ रहा है, उसके बाद संपद विपद तारा में आ जाएगा, 10 बजे तक ठीक रहेगा। चंद्रमा के तीन नक्षत्र रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकरु, जन्म तारा संपत तारा गुड, दोनों के लिए ठीक है। मंगल के तीन नक्षत्र मृगसरा वृषमिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, तो आपके लिए अतिमित्र जोन पे है, ठीक ठाक रहेगा। राहु का तीन नक्षत्र आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ, अतिमित्र जोन अच्छा रहेगा। गुरु के तीन नक्षत्र पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन, तो आपके लिए गुरु का जो नक्षत्र है अगर इसे गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4 टारगेट यहां हो गया, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा प्यार है, नॉट गुड। शनि का तीन नक्षत्र पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक और उत्तर भाद्रपद मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा प्यार ठीक ठाक रहेगा। बुध का तीन नक्षत्र अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा प्यार है, सो ये है नक्षत्र फल और राशिफल। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, एक तरफ अष्टमी भी लगा हुआ है, हालांकि अष्टमी खत्म हो जाएगा, और शनि जयंती भी हालांकि बासी रहेगा। अगर अभी तक कृष्ण का यज्ञ और शनि का यज्ञ नहीं किए, रात को होता है, रात को करिए, दबा के करिए, जितना हो सके करिए, जितना समझ में आके करिए, भक्ति भाव से करिए, कोई तंत्र मंत्र जंतर नहीं करने की, कोई गलती हो जाएगा तो पाप लग जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी भय मत रखिए, और जितना आपसे संभव है करिए। प्रभु भगवान ईश्वर परमेश्वर
आपको जरूर उत्तम फल प्रदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।